मैं उससे दूर नहीं उसके पास जाऊंगा, उसे अपना बनाऊंगा और उसी के साथ शादी भी करूंगा। ए मुंगेरी, उस लड़की के सपने देखना बंद कर दे। तुम्हें कॉलेज से डिसमिस किया जाता है। लेकिन सर, मुझे मेरी गलती तो बताइए। शट अप, गलती पूछते हो इनका हुलिया बिगाड़ने के बाद। सर वो तो हम लोग ऐसी रेसलिंग खेलना है तो रिंग में खेलो, इस कॉलेज में नहीं। यू आर डिसमिस्ड। इसे अपने पास ही रखें। अपने पास ही रखूं? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सच में निकाल दिया जाता है। टेक दिस एंड गेट आउट। सर मैं आपको 5 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ इसे वापस लेने के लिए। उसके बाद अगर आप मेरे पैर भी पड़ेंगे ना तो भी मैं इस कॉलेज में वापस नहीं आऊंगा। खुले आप मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने फिल्म का क्लाइमेक्स बता दिया है सर, बाकी स्क्रीन प्ले आप खुद ही बना लीजिए। 5 बजे तक का टाइम है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने क्या मुझे इन जैसा लल्लू पंजू समझ रखा है? मुझे दुनिया भले ही प्रिंसिपल देव सहाय के नाम से जानती हो, लेकिन आज से 25 साल पहले मैं बहुत बड़ा डॉन था। जानते हो, अच्छे अच्छे शेरों की पतलून गीली हो जाती थी मुझे देखकर। ये देखो, मेरी छाती और पेट पर ये चाकू के निशान मेरे अतीत को बयां करते हैं। ये जो निशान आप देख रहे हैं ये चाकू के नहीं है मियां, पड़ोसन के नाखून के हैं। पड़ोसन को लाइन मार के दूध पीने गया था किचन में। मैं अकेला 100 के बराबर था। ये नादान आपके डोले शोले और मटके के बारे में क्या समझेंगे? आज समझदारी की बात की। पगार बढ़ाओ सर। मेरे अतीत के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसे मौके आने पर सच बोलना पड़ता है। तो यार आप सोच रहे होंगे कहानी में ये ट्विस्ट कैसा? ये बुड्ढा ठरकी अचानक में प्रिंसिपल कैसे बन गया? बाकी खुद खोल लीजिए। सहाय जूनियर तू यहाँ? डैड आज के बाद आपको सोडा बेचने की कोई जरूरत। क्यों बेटा, म्युनिसिपैलिटी की रेड है। रेड नहीं डैड, मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट। आज दिल गार्डन गार्डन हो गया। गाड़ी बंगले होंगे, सोडा की फैक्ट्री डालकर लाइफ चेंज। चेंज? आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मीठा तो नहीं है पर तू सोडा से ही मुंह मीठा कर ले। बचपन में मैंने बहुत बोतलें खो ली। तुझसे एक सोडा की बोतल नहीं खुलती, तू अपनी किस्मत का ढक्कन क्या खोलेगा? यार अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो सोडे वाला जरूर होता। सुन, अपने अतीत को भूलकर मैं एक साफ सुथरी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे अंदर के सोए हुए डॉन को मत जगा प्लीज, वरना खून खराब हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी सर। धूप में ये बाल काले नहीं हुए, ढाई का कमाल है। हाय। ओ हाय काजल। सॉरी मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गई थी, क्या नाम है? बनी नाम है मेरा। दादा काजल से बात करे ले। पहले किसने बात की? अपनी वाली ने। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंसिपल ने तुम्हें कॉलेज से क्यों निकाल दिया? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मैंने वो कल उन टपोरियों की धुलाई कर दी थी ना। ओह आई एम सॉरी, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ, वो मेरी बात मान जाएंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रोज कॉलेज आऊंगा। कैसे आओगे, उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। वो खुद ही मुझे वापस लाएंगे। जीसस, मैं आपकी मदद लेके उन्हें उल्लू बना रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। सहाय? यस। देव सहाय? प्लीज कंटिन्यू। लॉर्ड जीसस, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज लॉर्ड जीसस। हाउ आर यू माय चाइल्ड? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी जीसस। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों लॉर्ड, क्या हुआ? जानते हो तुम्हारा नाम सहाय क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों की सहायता करो। हाँ गॉड, मैं हमेशा दूसरों की सहायता करता हूँ। फिर तुमने आज बनी को कॉलेज से क्यों निकाला? निकाला? उसने मारामारी की जीसस, वो एक नंबर का बदमाश है। हाँ तो तुम भी तो डॉन हो ना। मैं कहाँ का डॉन, मैं तो खुद के खर्राटों से भी डर जाता हूँ। बस इन स्टूडेंट्स को थोड़ा डराने के लिए मैंने उनके सामने थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी थी। करेक्ट, तुम्हारे जैसा तुच्छ प्राणी केवल एक्टिंग ही कर सकता है, किंतु बनी बहादुर और नेक दिल है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं उसी की वजह से तुम्हारे पास आया। यस जीसस, यू आर राइट, बनी इज ग्रेट। वो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, उसे अपनाना अर्थात मुझे अपनाना, इसलिए कल उसे कॉलेज वापस बुलाना। श्योर जीसस, मैं कल खुद उसे मनाकर कॉलेज में वापस लाऊंगा। बहुत अच्छे सहाय, अब मैं चलूं? फिर कब आएंगे जीसस? फिर आने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा ना। अब ध्यान लगाकर प्रार्थना कर। हाँ जीसस बिल्कुल। लगता है बहुत जल्दी में थे। उसे प्यार से या जबरदस्ती से कॉलेज में वापस लाना होगा। कर ना करो सर, मैं लपेट लूंगा। क्या मियां बनी? अबे चुप, मेरा फॉर्मूला आजमाते। बन्नी बेटा, वेयर यू गोइंग? अरे ये क्या, आप तो मेरे प्रिंसिपल के डुप्लीकेट लगते हैं। असली को डुप्लीकेट बोलता है? बेटा ध्यान से देख, मैं डुप्लीकेट नहीं असली प्रिंसिपल हूँ। अबे गधे, सुबह सुबह तुझे मजाक के लिए और कोई नहीं मिला क्या? गधे की इंसल्ट क्यों करते मियां, जरा ठीक से चेहरा देखो। नहीं नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल नहीं हो सकते। सर आपको नंगा होना पड़ेगा,
अपने मटके पे लगे कुत्ता बिल्ली के नाखून के ताता तैयार दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखा सकता। काइकू, कल मैंने जज्बात के प्रेशर में वो सब कह दिया था, आज मुझे पेट में प्रेशर फील हो रहा है। इतने सारे प्रेशर में मैं इसका प्रेशर झेल नहीं पाऊंगा। ओके बन्नी मियां, सड़े हुए अंडे और टमाटर की शक्ल और किसी का हो सकता है क्या? सिर में चंपा कली का तेल भर को, पेट में बदबूदार गैस भर को, और बाबा आदम के जमाने का पैंट, अब तुम्हें बोलो बरसात के मेंढक के जैसा पर्सनालिटी। और अबे चुप बन्नी। ओके मैं मानता हूँ कि ये मेरे प्रिंसिपल हैं, इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया है, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। बोला ना एक बार, कहीं नहीं जाएगा तू। क्यों नहीं, अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? देख बात ऐसी है बेटा कि कल प्रे करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर तुझ जैसे स्टूडेंट को लूज कर दूंगा तो मुझे लूज मोशन हो जाएंगे। देखिए सर, आपके पास कल 5 बजे तक का टाइम था, उससे पहले आते तो कुछ हो भी सकता था, अब कोई चांस नहीं है। ये कैसी बात करता तुम्हें, तुम्हें क्या प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो ना? ए, तू चुप रह, खाओ जाओ। ये ढीला तुम्हें कुछ बोलता नहीं तो क्या काम में मुतेगा? सर अभी यहाँ से चलते हो ना। मेरे बाप, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरी आपके सामने कोई इज्जत है कि नहीं? तू क्या अपने आप को शाहरुख समझता? कल का आयो अपोटा प्रिंसिपल। गेट बैक बन्नी, चाहे तू मुझे जूते मार ले लेकिन तू कॉलेज वापस चल। तू नहीं जानता कि मेरे साथ कल रात को क्या हुआ है। क्या हो गया सर? इनका बलात्कार होना। मुझे खुली आंखों से भगवान के दर्शन हुए बेटा, तू मेरी बात मान ले प्लीज बन्नी। ओके अब आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा आकर दिखाई तो मैं खुद ही टर्मिनेट हो जाऊंगा, समझ गए? हाँ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं। क्या काम है? इस नंबर पर फोन करना है। हेलो, एक मिनट रुकिए। बनी, तेरा फोन है। किसका है? कहो कि पुलावरम से उसकी माँ का फोन है। माँ, माँ कैसी हो? माँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ माँ, बोलो। आने वाली 22 तारीख को रथ सप्तमी है बेटा, तुम्हारे बिना तो रथ नहीं चलेगा, बस मुझे यही याद दिलाना था तुम्हें। मुझे याद है माँ, मैं ना भूला हूँ और ना कभी भूलूंगा, मैं जरूर आऊंगा। बाबूजी कब आ रहे हैं माँ? उनकी सजा पूरी हो चुकी है, वो भी उसी दिन जेल से रिहा होकर सीधे घर आएंगे। काजल कैसी हो? अरे तुम्हें तो निकाल दिया था ना, फिर से कैसे आ गए? सिंपल, मैंने तुमसे कहा था ना प्रिंसिपल मुझे खुद वापस लेकर आएंगे। दादा ये तो गम के माफी चिपके ला। पहले किसने बात? आईचा का तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो बोला उसका जवाब दे। वो चिकने ने। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मीथेन और क्लोरीन को एक तापमान पर मिलाया जाता है तो एक नया लिक्विड बनता है और उसका फॉर्मूला बाद में बताता हूं। बनी क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई पे ध्यान दो। सॉरी मैम। अब तेरा कुछ नहीं होगा। अब हंसता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? तूने कहा था तू काजल को पटा लेगा, लेकिन पटाएगा कैसे? हाँ न वो अकेले बाहर जाती है, न वो क्लास में अकेले होती है, ना ही कैंटीन में। अबे बाथरूम भी जाती है तो बॉडीगार्ड बाहर खड़ा होता है। हाँ? मैं अगर क्लास के बाकी लोगों को क्लास से भगा दूं तो कैसा रहेगा? वो कैसे? अरे एक से क्या होगा, कम से कम दो दे देना। क्यों, साथ में सास ससुर को भी लेके जाएगा क्या? शो शुरू हो जाएगा, चल निकल। अरे क्लास के सारे बच्चे कहाँ चले गए? अगर आपने पढ़ाना शुरू किया तो मैं भी चला जाऊंगा। तुम बैठे रहो, मैं ही चला जाता हूँ। बनी क्लास के सब लोग कहाँ चले गए? सब लोग फिल्म देखने गए हैं। सबके सब? आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैंने सबको ट्रीट दी है। ओह हैप्पी बर्थडे। लेकिन तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता? जाना ही होगा मेरे बिना। मैं यहाँ से अकेला तो नहीं जाऊंगा। तुम्हें कंपनी देने के लिए पूरी क्लास है ना? अगर मैं चला गया तो यहाँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मेरी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं क्लास छोड़ के कहीं नहीं जा रही। ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें क्या लगता है ऐसी हरकत करने से मैं मान जाऊंगी? बनी मेरे बॉडीगार्ड को चकमा दे कि मुझे ले जाओ। यस। क्या हो गया बनी बेटा? सर आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुझे पूछने का पूरा अधिकार है। ये कॉलेज है या गुंडों की धर्मशाला? मैंने तो 25 साल पहले गुंडागर्दी छोड़ दी थी। ये असली गुंडों की बात कर रहा हूँ। मुझे तो तू सबसे बड़ा गुंडा लगता है।
ये नहीं पूछ लो। कौन? वो लोग। वो और गुंडे? वो तो अपनी काजल के बॉडीगार्ड्स हैं। कल से मैं भी अपने बॉडीगार्ड्स लाऊं? तुम्हें बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है? वो तो अमीर ज़ादे की बेटी है, इसलिए उसे बॉडीगार्ड्स चाहिए। मेरे दादा भी बहुत अमीर हैं, मैं भी बॉडीगार्ड्स ला सकता हूँ। क्या यहाँ सोड़ा पियर्स की बात मान लो। देख बेटा सर, इनकी वजह से मैं बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। वैसे किस चीज में? पढ़ाई में सर। आहे? तुम पढ़ाई भी करते हो? करता हूँ से मतलब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने ऐसा कहा? आप भी बोला मियाँ, बात की गहराई को समझो। गहराई सर, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, उन्हें वहाँ से हटाइए बस। हो जाएगा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? यहाँ क्यों बैठे हैं? कहाँ बैठे? अंदर आकर बैठिए, यहाँ गर्मी बहुत है। गर्मी तुम जैसों को लगती है, हम लोग यहीं ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ कि शरीफ लोग कहीं भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मुझे किसी को डिसमिस करने से रोकना है। क्या बोला? डिसमिस मतलब डिस्चार्ज, मतलब आप लोग एसी में आराम से रिचार्ज क्यों नहीं हो जाते? एसी में? किधर? मेरे कमरे में, चलिए मेरे साथ। अब क्या मुझे रुलाओगे प्लीज? ए भूतनी चाय, एसी में हम बैठेंगे, तू कहाँ बैठेगा? अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं तो मैं तेरी गोद में बैठ जाऊंगा। अब बोल भाई, एसी में मस्त ठंडा ठंडा हवा आता है। हाँ चलिए। अबे क्या कर रहा है तू? है मिट्टी साफ कर दूंगी यार। क्या बात है, हाँ बोला था ना भाई, क्या ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना? एसी में ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा मंगाऊं? बनी मेरे कार में चलते हैं। क्या? कार वार छोड़ो यार, बाइक पे चलने का मजा ही कुछ और है। किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, डोंट वरी। ये दादा आपने काजल ले ली। मुझे देखने दो, पकड़ो उसे। चले चुरा निकाल, चक्को निकाल, छोड़ेंगे नहीं उसे। क्या यार, ओ दिमाग की बत्ती जलाओ, बाहर से लॉक होना। भाई इसने आपको मामू बनाया। क्यों बे? हम लोगों को एसी में बुला के हमारी एसी की तेजी कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानता। प्रिंसिपलों के झूठ बोलते हैं, तुम्हें तो उसके साथ मिलके ढक्कन को छूना लगाने की बात कहते हैं। ओ, इनको नहीं बताना था। सर जी ये सही है कि वो मुझसे बात करने आया था, लेकिन नहीं पता था कि वो हम सबको टोपी पहना जाएगा। मेरे मरे हुए शक्ल बाप की कसम, बिलीव मी। अगर भैया जी को पता चल गया ना, एसी तो छोड़, पंखे की हवा के लायक भी नहीं बचेगा। अभी अभी मेरी दूसरी शादी है। तेरी सांगा दादा। ठंडा ले, टेंशन नको। वो अपनी मर्जी से बाइक पे बैठी या जबरदस्ती बिठाया? मार्क तुम्हें सांगना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तू कहीं भगत हो, ऐसी कर। बनी मेरे डैडी। तुम डरो मत, उधर मत देखना।